शाहपुर और धर्मशाला की सीमा पर स्थित डल झील के शाही स्नान पर कोरोना का संकट पड़ गया है। कोरोना के चलते इक्का दुक्का लोग ही डल लेक में शाही स्नान हेतु पहुंचे। डल झील पहुंची महिलाओं ने झील की परिक्रमा करके खुद पर झील के जल का छिड़काव किया और दुर्वेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि शाही स्नान का आगाज सोमवार को ही हो गया था, जिसके चलते सोमवार देर रात भी कुछ लोग डल झील में स्नान हेतु पहुंचे थे। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस जवान भी मौके पर तैनात किए गए थे। वहीं बच्चों व युवाओं ने डल झील में स्नान का खूब आनंद लिया। शाही स्नान के लिए आए लोगों ने झील की मछलियों को आटा और ब्रेड डालकर मन्नत भी मांगी। वहीं मंदिर में भी सुबह से ही खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। डल झील में स्नान उपरांत श्रद्धालु बारी बारी दुर्वेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे थे। भागसू टैक्सी यूनियन के ऑपरेटर निकाराम ने बताया कि पूर्व के वर्षों में उनके द्वारा शाही स्नान के लिए लंगर लगाया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से उनके द्वारा हलवा व प्रसाद ही वितरित किया जा रहा है, जबकि पूर्व में वर्षों से उनके द्वारा 5,000 से अधिक लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती थी। डल झील के प्रति लोगों की अगध श्रद्धा है, इसी के चलते लोग शाही स्नान के लिए यहाँ स्नान हेतु पहुँचते हैं। व्यवस्था तो देखिए कोविड की वजह से क्या व्यवस्था रहेगी, ना ही आज उतनी पब्लिक है। जिस तरह से यहाँ पर एक नौन होता था, जिसको हम डल लेक का दूसरा नाम मानते हैं यहाँ पर मणिमेज के बाद, तो व्यवस्था तो सरकार की तरफ से ठीक है, पर उतनी पब्लिक नहीं आ पा रही है कोविड की वजह से। हम 17 साल से यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम करते थे बागसू टैक्सी यूनियन के सौजन्य से। ये हमारी मेंबर कमेटी है, सभी जितने भी हर साल हम यहाँ पर भंडारा लगाते थे, ये हमारा 17वां भंडारा था। पर कोविड की वजह से हम उतना बढ़ चढ़ कर नहीं भंडारा लगा सके। गवर्नमेंट की कुछ अटेंशनें थी कि कोविड की वजह से ज़्यादा भीड़ ना हो, तो हमने उसी को मद्दे रखते हुए एक छोटा सा प्रसाद जिस तरह से वितरण कर रहे हैं हम 2 साल से उसी तरह कर रहे हैं। नहीं तो पहले हम काफ़ी बड़ा भंडारा लगाते थे और 5,000 लोगों का खाना बना, खाना हमारा चलता था 5-6 हज़ार लोगों का यहाँ पर, जिसमें हम कांगड़ी धाम या चना भटूरा प्रसाद ये हमारा खुल के चलता था। पर अब कोविड की वजह से इस बार हम कुछ भी नहीं कर पाए, पर थोड़ा सा एक प्रसाद हम भक्तजनों को यहाँ पर लेकर आए हैं, आप भी प्रसाद ग्रहण करें, धन्यवाद। डल लेक को इसके अलावा शाही स्नान यहाँ पे होता है, इसके अलावा अन्य क्या और क्या मान्यताएं हैं? देखिए मान्यताएं तो बहुत है, दुर्गेश्वर महादेव का मंदिर है, एक काफ़ी पौराणिक लेक है ये। मैं ही बचपन से कम तकरीबन मेरी एज 50 के करीब पहुंच गई है, तो जब हम छोटे छोटे होते थे तो अपने फादर के साथ या अपने बड़े ब्रदर के साथ यहाँ पर सुबह घर से, जब मेरे घर धर्मशाला में है तो हम वहाँ से चलते थे तकरीबन 3 या 4 बजे, पैदल का रास्ता था, वाहनों का उतना आवाजाही नहीं थी, तो हम यहाँ पर पहुँचते थे सुबह और नहाना, यहाँ पर स्नान करना। जब हम अपने बड़ों से पूछते थे कि भी अब स्नान तो हम घर में भी कर सकते हैं, पर उनका कहना था ये एक लेक है, धार्मिक लेक है, इसमें नहाने से बहुत से कष्ट दूर होते हैं, तो इसी को लेकर आज तक वही मान्यता हम लेके चले हैं, या हमारे जितने भी श्रद्धालुगण हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। अब जिस तरह से भगवान ने ये रचिता रच के जो डल लेक यहाँ पर इस धर्मशाला वासियों को दी है या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, काफ़ी मान्यता है इस डल लेक की, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे कोविड की वजह से। वही मैं वापस पहुँच रहा हूँ कि कोविड की वजह से द्वारा फिर हालात उस तरह नॉर्मल हो जाएं कि कोविड चला जाए, हम भगवान शिव भोले से ये प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष हम बड़ी धूमधाम के साथ हम यहाँ पर अपने भंडारे का आयोजन कर सकें। कहा भी जाता है कि एक भेड़ पालक की जो अंगूठी जो है मणिमहेश में। डल झील में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस स्टाफ सदस्य संजय कुमार ने बताया कि पिछली रात को भी यहां स्नान हेतु लोग पहुंचे थे। डल झील के साथ लोगों की धार्मिक आस्था है, भीड़ नहीं लेकिन कुछ लोग समूहों में स्नान करने पहुंचे हैं। लोगों को कोविड 19 के नियमों की भी जानकारी दी जा रही है। वहीं स्नान करने वालों को गहरे पानी में ना जाने के बारे में भी आगाह किया गया है। सर, डल लेक में आज जो है शाही स्नान का मुहूर्त था, तो किस तरह की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से की गई? प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और पुलिस प्रशासन मौजूद है, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, गाइडलाइंस दे दी गई हैं और शाही स्नान लोग कर रहे हैं, लेकिन कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।
पिछले कल से जिस तरह से शुभ मुहूर्त था, तो कहा कितनी संख्या में लोग यहाँ पे रात को पहुँचे? पिछले कल बहुत ही कम लोग थे। रात को 3 बजे शाही स्नान हुआ है। पंडित जी ने दुर्गेश्वर महादेव जी के मंदिर के पंडित जी आए थे, उन्होंने स्नान करवाया था और उसके बाद मंदिर में चले गए थे। अब आज जिस तरह से कोविड की वजह से हालांकि लोग कम हैं, फिर भी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, तो किस तरह देखते हैं और लोगों को क्या किस तरह से वो मार्गदर्शन जो है लोगों को किया जा रहा है? लोगों को फुली अवेयर किया गया है। लोग जो जो आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है बिना मास्क के ना घूमें, और लोग नहा रहे हैं, इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि गहरे पानी में ना जाएं, किनारे पे ही रहें, और धार्मिक आस्था जुड़ी है लोगों के साथ, तो ये शाही स्नान कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार, मुख्य आरक्षी संजय कुमार।